14.1.3 नर और मादा शरीर में वृद्धि और परिवर्धन। नर और मादा शरीर में वृद्धि और परिवर्धन से हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे में नर और मादा जनन अंग का निर्माण 6 से 7वें हफ्ते में होने लगता है, पर ये जन्म के बाद एक निश्चित उम्र में क्रियाशील होते हैं। बचपन से ही हमारा शरीर बदलता रहता है। जब हम 10 से 14 साल के होते हैं तब बदलाव की गति कुछ तेज हो जाती है। वजन और लंबाई के साथ साथ भूख भी बढ़ती है। शरीर के कुछ हिस्सों पर मांस बढ़ने लगता है, जैसे स्तनों पर, जांघों पर आदि। बगल और प्रजनन अंगों पर बाल आने लगते हैं। कई लड़के लड़कियों में चेहरे पर मुहांसे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। शारीरिक बदलाव के साथ साथ स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। शरीर में होने वाले बदलाव से संबंधित सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश और कई बार संतुष्ट न होने से चिड़चिड़ापन नजर आता है। स्वभाव में बदलाव या शरीर के बाहरी बदलाव तो आसानी से दिख जाते हैं, पर अंदर होने वाले बदलाव दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बच्चा गर्भ में बढ़ता है, परंतु हम सबको यह पता नहीं होगा कि गर्भ में बच्चे के ठहरने की तैयारी के लिए क्या क्या बदलाव होते हैं। नर के जनन अंगों में क्या बदलाव होता है? इन बदलावों को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर के जनन अंगों की संरचना को समझना होगा, बदलाव में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चित्र 4 में नर और मादा जनन अंगों को दर्शाया गया है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों में आवाज और शरीर गठन में बदलाव आता है। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ एवं शरीर के अन्य हिस्सों में जैसे छाती, बगल, जनन अंग आदि पर बाल उगने लगते हैं। जनन अंग क्रियाशील होने से शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में शरीर के तापमान से कम तापमान होता है, जिससे शुक्राणु यहाँ लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था के समय माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया शुरू होती है। चित्र 5 में माहवारी के कुछ अवस्थाओं को दर्शाया गया है। लड़की के शरीर के मादा जनन अंग में किशोरावस्था आमतौर पर 10 से 14 वर्ष में होने वाले बदलाव माहवारी की प्रक्रिया से शुरू होते हैं। यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है। इससे लड़की के शरीर में गर्भाधान की तैयारी होती है। यदि इस अवस्था में अंडाणु व शुक्राणु संपर्क में आ जाते हैं तो नई संतति के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस संपर्क के अभाव में माहवारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सिर्फ गर्भधान की अवस्था को छोड़कर 12 से 50 वर्ष के उम्र के बीच लड़कियों व महिलाओं को हर माह माहवारी आती है। इसका मतलब यह है कि माहवारी के एक बार शुरू होने से लेकर हमेशा के लिए बंद होने तक एक महिला में बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है, मगर 18 से 22 साल की उम्र में ही अंगों का पूर्ण विकास और मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने की तैयारी हो पाती है। निषेचन से युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मेल होता है, जिससे युग्मनज जायगोट बनता है। निषेचन की प्रक्रिया मादा के योनि मार्ग से शुरू होती है, जहां हजारों लाखों शुक्राणु नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि मार्ग में उत्सर्जित किए जाते हैं। यहीं से पूछ वाले शुक्राणु पूछ की सहायता से तैरते हुए अंडवाहिनियों तक पहुँचते हैं, परंतु केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु से मिलने में सफल हो पाता है।